हे दोस्तों, पीटर थील एक बिलियनर एंटरप्रेन्योर, वेंचर कैपिटलिस्ट और फाउंडर है पेपाल के। उन्होंने स्टार्टअप्स और बिजनेस के ऊपर एक लेक्चर लिया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उस लेक्चर में उन्होंने स्टूडेंट्स को कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे जिससे वो स्टूडेंट्स भी उनकी तरह एक बिलियन डॉलर बिजनेस बना सकते हैं, और वो भी हमारे वर्ल्ड को बेटर और इम्प्रूव करके। ब्लेक मास्टर्स नाम के एक स्टूडेंट ने इस लेक्चर की एक डिटेल्ड नोट्स बना ली थी। ये नोट्स लोगों को इतनी काम की लगी कि वो कॉलेज के बाहर भी फैलने लगी। तब पीटर ने ब्लेक मास्टर्स के साथ काम करके उस नोट्स को और इम्प्रूव करा और उसकी एक बुक बना दी, ताकि बस स्टैनफोर्ड, उनकी सिटी या उनकी कंट्री के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इस नॉलेज का फायदा उठा पाए। आज मैं उसी बुक के कुछ प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल नंबर 1, गो फ्रॉम 0 to 1। एक ऐसे टाइम पे जब ट्रैवलिंग के लिए घोड़ों का इस्तेमाल होता था, उस टाइम अगर आप लोगों को और तेज घोड़े ला के देते या बेहतर घोड़ा गाड़ी बना के देने का बिजनेस करते, तो आप जो प्रोग्रेस करते उसे बोलते हैं 1 to n जाना। लेकिन अगर आप घोड़ा गाड़ी के बजाय लोगों को एक नया तरीका दे देते ट्रैवलिंग का, एक कार बना के, जैसे हेनरी फोर्ड ने किया, तो उस प्रोग्रेस को कहते हैं 0 to 1 जाना। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो कुछ नया करो और 0 to 1 जाओ, जिसे वर्टिकल प्रोग्रेस भी बोलते हैं। कुछ ऐसा करो जो पहले कभी नहीं हुआ हो, क्योंकि अगर आप जो चीज पहले से बनी हुई है बस उसे ही कॉपी कर रहे हो अपने थोड़े बहुत चेंजेस लगा के, तो आप 1 to n जा रहे हो, जिसे हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस भी कहते हैं। लेकिन ये करने से आपको सक्सेस मिलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। गलती से आपको थोड़ी सक्सेस मिल भी जाएगी तो भी वो बहुत बड़ी नहीं होगी और ज्यादा टाइम तक भी नहीं टिकेगी। बिजनेस वर्ल्ड में हर बड़ा इवेंट बस एक बार होता है। दुनिया का अगला बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा, अगला मार्क ज़करबर्ग एक सोशल नेटवर्क नहीं क्रिएट करेगा, और अगला लैरी पेज एक सर्च इंजन नहीं बनाएगा। अगर आप इनके प्रोडक्ट को कॉपी कर रहे हो तो आप इनसे सीख रहे ही नहीं हो, क्योंकि इन लोगों को ह्यूज सक्सेस मिली जब वो 0 to 1 गए। पर अगर आप इन्हें एग्जैक्टली कॉपी करने का ट्राई करोगे तो आप बस 1 to n जा पाओगे, जो कि बेस्ट ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। प्रिंसिपल नंबर 2, बिकम अ मोनोपोली, अवॉइड कॉम्पिटिशन। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां कॉम्पिटिशन को बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को बचपन से ही कम्पीट करना सिखाता है। पहले वो मार्क्स के लिए एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, फिर जॉब के लिए, फिर कोई नहीं मिलता तो अपने नेबर्स के साथ ही कम्पीट करने लगते हैं। पड़ोसी से ज्यादा अच्छी कार रखना, उससे बड़ी टीवी रखना, ये सब स्टूपिड चीजें कॉम्पिटिशन बन जाती है। पर सच तो यह है कि कॉम्पिटिशन आपको मोस्टली हर चीज के लिए लॉस ही देगा। एजुकेशन सिस्टम और दूसरी चीजों के लिए कभी और बात करेंगे। बिजनेस में भी कॉम्पिटिशन जहर जैसा होता है। पीटर बताते हैं कि कॉम्पिटिशन और कैपिटलिज्म अपोजिट है। एक प्रॉफिट जनरेट करने से रिलेटेड है, जबकि दूसरा प्रॉफिट को खत्म करने से रिलेटेड है। आपके बिजनेस मार्केट में जितना ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा, उतना कम आप प्रॉफिट कमा पाओगे, फिर चाहे आपका बिजनेस कितना भी बड़ा क्यों ना हो। एग्जाम्पल, US की एयरलाइन कंपनीज करोड़ों और अरबों में पैसे बनाती है, पर फिर भी 2012 में वो कंपनीज एक पैसेंजर पे बस 37 सेंट का प्रॉफिट कमा पाई थी। अब इसे कंपेयर करते हैं गूगल से। गूगल ने उसी साल टोटल 50 बिलियन बनाए थे, जबकि एयरलाइंस ने 160 बिलियन। लेकिन गूगल ने उस 50 बिलियन में से 21% का प्रॉफिट बनाया था, जो कि एयरलाइन कंपनीज के प्रॉफिट से 100 गुना ज्यादा था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि एयरलाइन कंपनीज एक दूसरे से कम्पीट करने के चक्कर में अपने टिकट के दाम कम कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ गूगल अकेले ही अपना ज्यादातर मार्केट डोमिनेट कर रहा था, बिना किसी से प्रॉफिट के लिए कम्पीट करे। आज के टाइम पे अगर हम सारी US एयरलाइन कंपनीज के प्रॉफिट को एक कर दे, फिर भी गूगल उनसे 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। गूगल ऐसा कर पाता है क्योंकि गूगल का सर्च इंजन एक मोनोपोली है, और इस चीज में उसका कोई भी बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर मैं आपको इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करने बोलूं, तो आप बिना सोचे गूगल पे ही जाओगे, क्योंकि आपको पता है गूगल बेस्ट है इस चीज में। ठीक इसी तरह अगर आपको भी बड़ी सक्सेस चाहिए, तो आपको एक मोनोपोली क्रिएट करनी चाहिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस की, जिसमें आपसे बेटर और कोई दूसरा ऑप्शन हो ही ना लोगों के पास। प्रिंसिपल नंबर 3, स्टार्ट विद अ नीश मार्केट एंड देन डोमिनेट। Amazon आज एक ऐसी वेबसाइट है जहां आपको A to Z ऑलमोस्ट हर सामान मिल जाएगा। पर Amazon ने अपनी शुरुआत ऐसे नहीं की थी। स्टार्ट में Amazon ने बस एक छोटे से मार्केट पे कॉन्सेंट्रेट किया, वो मार्केट था बुक्स पढ़ने वाले लोगों का। इससे पहले तक किताबें बस बुक स्टोर्स पर मिला करती थी, जिसकी वजह से बहुत सी बुक बहुत सर्च करने के बाद भी लोगों को मिल नहीं पाती थी, और बुक पब्लिशर्स को काफी लॉस होता था। बट फिर Amazon ने एक ऑनलाइन बुक स्टोर बना के एक 0 to 1 प्रोग्रेस लाया, जिससे बहुत लोगों का बहुत फायदा हुआ। बुक्स के बिजनेस में सक्सेस मिलने के बाद Amazon ने और दूसरे बुक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे CD, DVD एक्सेट्रा बेचना स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे हर मार्केट को डोमिनेट कर दिया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है खुद PayPal का। पीटर थील ने स्टार्टिंग में ये नहीं चाहा कि दुनिया का हर इंसान ऑनलाइन पेमेंट करना स्टार्ट कर दे, बल्कि उन्होंने बस एक छोटे से नीच मार्केट पे फोकस किया। ये मार्केट था eBay के यूजर्स का, जिन्हें हर दिन चीजों को खरीदने और बेचने के लिए चेक्स का यूज करना पड़ता था। पीटर ने उन्हें एक ऑनलाइन सोल्यूशन दिया PayPal के फॉर्म में, जिसे वो लोग इजीली एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर पाते थे, और वो पैसे उन्हें फौरन मिल जाते थे, ना कि चेक्स की तरह जहां उन्हें काफी वेट करना पड़ता था पैसे मिलने के लिए।
ईबे का छोटा सा मार्केट डोमिनेट करने के बाद पेपाल ने धीरे धीरे नॉर्मल लोगों को भी ऑनलाइन पेमेंट का इजी तरीका दिखाया, जिसके बाद पेपाल एक $1 बिलियन कंपनी बन गई। इसी तरह अगर आपको भी अपने बिजनेस को एक बड़ा सक्सेस बनाना है तो पहले एक छोटे से नीच मार्केट से स्टार्ट करो। छोटे से ग्रुप के लोगों की कोई एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करो जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है और जहां बहुत कम या फिर कॉम्पिटिशन हो ही ना आपके लिए। पहले वहां एकदम अच्छी सर्विस दो और फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्सपांड करके रिलेटेड मार्केट को डोमिनेट करो। ये बात याद रखो कि एक बड़े से तालाब में एक छोटी सी मछली, जिसे दूसरी बड़ी मछलियां कभी भी खा के आराम से खत्म कर दे, वो बनने से बेटर है कि पहले आप एक छोटे से तालाब की एक बड़ी मछली बनो और फिर उसके बाद बड़े तालाब में जाओ। जब आप ये सारी बातें याद रख के बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपके सक्सेस होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये कुछ प्रिंसिपल्स मैंने आपको 0 to 1 बाय पीटर थील बुक से बताई है। अगर आपको बिजनेस या स्टार्टअप इन वर्ड्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आपको ये बुक डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। इसमें बहुत सी वैल्यूबल चीजें हैं जो आपको नेक्स्ट बिलियनर कंपनी कैसे बनाना है ये बात सिखा सकती है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप ये बुक खरीद सकते हो। अगर आप मेरे वीडियोस कभी मिस नहीं करना चाहते हो तो आप सेटिंग में जाके अपने नोटिफिकेशन ऑन कर दे और फिर मेरे चैनल के होम पे जाके उधर बने बेल पे क्लिक कर दे। इससे आपको जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक करें अगर आपको ये प्रिंसिपल काम के लगे, अपनी व्यूज कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को उनके साथ जिन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट हो, सब्सक्राइब करें, मैं और ऐसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।